नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। देखिए, आपको बताता हूं, हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार रेवाड़ी जिले के कस्बा कोसली, मतलब गांव कोसली के गांव नठेड़ा निवासी विनोद कुमार का कोसली स्थित पीएनबी में खाता था। आपको बताता हूँ, वह बीते दिन अपने खाते से पैसे निकलवाने के लिए कोसली में ही SBI की शाखा के साथ लगे ATM बूथ पर गया था। पैसे निकालते वक्त उसका ATM कार्ड मशीन में अटक गया। विनोद के अनुसार काफ़ी देर तक उसने कार्ड को निकालने की कोशिश की, तभी उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने कार्ड निकालने में मदद के बहाने उसका ATM कार्ड चेंज कर डीएस कोई दूसरा कार्ड उसे दे दिया। वापस अपने घर आ गया। तब घर पहुंचने के बाद उसने अपने मोबाइल पर मैसेज पर नज़र डाली तो उसकी आँखें खुले की खुली रह गई। उसके खाते से 60,000, 10,000, 10,000, 5,000 रुपये कटने के मैसेज थे। 1,00,000 से भी 70,000 रुपये खाते से निकाले। मतलब विनोद कुमार ने बताया कि खाते से इतने पैसे निकलने का मैसेज देखने के बाद वह तुरंत बैंक पहुंचा तो पता चला कि उसके खाते से 1,70,000 रुपये निकल चुके हैं। इसमें कुछ UPI के जरिए ट्रांसफ़र भी किए गए हैं। उसने अपना ATM कार्ड चेक किया तो वह बदला हुआ मिला। विनोद ने तुरंत अपना खाता बंद कराया, साथ ही बैंक से डिटेल निकलवा कर पुलिस को शिकायत दी। कोसली थाना पुलिस ने विनोद की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ATM बूथ पर लगे CCTV कैमरा को चेक कर रही है। देखिए, पहले भी हमने आपको बताया कि देखिए, जो बच्चे हैं या फिर आजकल के जो 23, 24, 20 से 30, 40 साल के, उन लोगों को तो फिर भी पता है ATM, लेकिन जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है उनको कई बार नहीं पता चलता। तो क्या करते हैं वो लोग, शातिर जो ठग होते हैं, वो कार्ड बदल लेते हैं। उनसे कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे और इसके जरिए आपका कार्ड बदल लेते हैं। प्लीज़ किसी भी अनजान व्यक्ति अगर कोई कहे कि मैं आपकी मदद करता हूँ, प्लीज़ किसी की मदद ना लें, क्योंकि वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। अपने साथ किसी जो भी जानकार हो आपका या आपकी फैमिली का कोई जो भी व्यक्ति है उसको ही लेके जाएं, ताकि आप अपनी रुपए को सेफ रख सकें और कोई भी धोखाधड़ी के बहकावे में ना आए। रेवाड़ी की जितनी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।